नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आज होगा कर्नाटक के सीएम का ऐलान, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे ऐलान। 6 से अधिक राज्यों में एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग और आतंकियों पर नकेल कसने की होगी तैयारी, 100 से अधिक जगहों पर की जाएगी छापेमारी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी, विभिन्न कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कर्नाटक सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार बन सकते हैं डिप्टी सीएम के पद पर। मणिपुर हिंसा मामले में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों को रीलोकेट किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 15 किलो हेरोइन गिराकर लौटा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने किया बरामद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर। चक्रवाती तूफान मोका का म्यांमार पर कहर, मरने वालों की संख्या 81 तक पहुंची। दिल्ली के नरेला में जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, पूरे इलाके में दहशत का माहौल, तो वहीं दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर। और बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग यंग एक्टर विकी कौशल 3 साल बाद थिएटर में कर रहे हैं वापसी, 4 फिल्मों के साथ मचाएंगे सिनेमा में धमाल।